यश और प्रिंस चोरी छुपे देवी के मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। दोनों विमाना की तलाश में है, लेकिन बस्ती का एक आदिवासी उन्हें देख लेता है और भील को बता देता है। भील तेजी से वहां पहुंच जाता है। तुम हमारे पवित्र देवी के मंदिर में क्यों आए हो? बस इतना कहते ही भील यश पे अटैक कर देता है। प्रिंस बीच में आ जाता है और भील के अटैक को अपनी तलवार से खत्म कर देता है, लेकिन भील दोनों को पॉज कर देता है। प्रिंस तो पॉज हो जाता है, लेकिन यश को भील के पॉज का कोई असर नहीं होता। ये कौन है? ये कहीं गोस यूनिवर्स का भूत तो नहीं? उन्हें मैं पॉज नहीं कर पाया था। भील फिर एक जोरदार अटैक यश पर करता है। यश जंप करके बच जाता है। यश फिर एक बवंडर बनाता है और भील पर छोड़ देता है। भील उसमें फंस जाता है। भील उससे बाहर निकलता है और फिर प्रिंस पे अटैक करता है। तीनों के बीच की जोरदार फाइट मंदिर को डिस्ट्रॉय करने लगती है। सारे आदिवासी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। भील दोनों पे भारी पड़ रहा था। ये कौन है? इतना पावरफुल, हम इसे नहीं हरा पाएंगे। पर ये हमसे लड़ क्यों रहे हैं? तभी यश के पास से अनादि का दिया हुआ लॉकेट गिर जाता है और अनादि को सिग्नल मिल जाता है। लगता है यश मुश्किल में है, मुझे तुरंत उसे बचाना होगा। अनादि तुरंत वहां पहुंच जाता है। अनादि देखते ही शॉक हो जाता है। गोस हंटर्स आपस में ही लड़ रहे हैं। रुक जाओ, तुम सब एक ही मिशन पे हो, दुनिया को घोस से बचाना है। तुम तीनों गोस्ट हंटर्स हो। ये सुन भील शांत हो जाता है। यश भी समझ जाता है। तीनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। कौन हो तुम और तुम्हारे पास इतनी शक्तियां कैसे है? मैं भील हूँ। मैं मेरी बस्ती को घोस से बचाता हूँ और मंदिर का ध्यान रखता हूँ। ये पवित्र मंदिर हमारी देवी का है। मैं यशु, मैं गोस्ट यूनिवर्स से दुनिया को बचाना चाहता हूँ, इसलिए हम केप विमाना की तलाश में आए हैं। यश, क्या तुम रजनी के दोस्त यश हो? रजनी, तुम कैसे जानते हो रजनी को? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। फिर भील यश को पूरी कहानी बताता है। अरे तुम मेरे भी दोस्त हुए, रजनी की मदद कर रहे हो। हमें तुम्हारी मदद लगेगी दुनिया को बचाने में। मैं तैयार हूँ। ये सब तो ठीक है, बहुत जोरों से भूख लगी है, चलो कुछ खाना खिलाओ। सभी हंसने लगते हैं। तुम कैप के बारे में कैसे जानते हो? यह मेरे पिताजी की किताब है, इसमें हमें 5 शक्तियों के बारे में पता चला है, जिसकी हमें मदद लगेगी स्टोन्स को ढूंढने और शस्त्रों को पाने के लिए। स्टोन्स, वेपन्स, ये क्या है सब? कोच निवास के भूत धरती पे कब्जा करना चाहते हैं। वल्चर धरती पे अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। उसकी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। शक्तियाँ वापस पाने के लिए उसको उन स्टोन्स की जरूरत है। हमें उससे पहले वो स्टोन्स को ढूंढना है। हमने वल्चर्स के भाई जल्चर्स को मार दिया है, लेकिन वल्चर्स बहुत शक्तिशाली है। वो केप शायद मेरे पास है। हम कई सालों से उसे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाए। शायद वो केप अपना ओनर खुद चुनता है। फिर भील उन्हें एक रूम में लेके जाता है और एक बड़े से बॉक्स से केप बाहर निकालता है। केप बहुत ही सुंदर था। केप देख के यश और प्रिंस की आंखें चमकने लगती है। ये केप मैं कब से देखना चाहता था, ये तो बहुत सुंदर है। यश केप लेता है और पहनने की कोशिश करता है, लेकिन केप को लॉक नहीं कर पाता। शायद मैं भी केप के लिए सही ओनर नहीं हूँ। फिर भील वापस ट्राई करता है, लेकिन केप लॉक नहीं हो पाता। फिर प्रिंस हाथ में लेता है। प्रिंस के हाथ में लेते ही केप चमकने लगता है।
प्रिंस केप जैसे ही हाथ में लेता है केप उड़ता है। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है केप खुश हो गया है, उसे अपना ओनर मिल गया है। केप उड़ते हुए आता है और प्रिंस से कनेक्ट हो जाता है। शायद केप को भी प्रिंस का ही इंतजार था। प्रिंस उड़ने लगता है। कुछ ही पलों में प्रिंस उड़ते हुए अपने महल पहुंच जाता है और अगले ही समय जंगल में पहुंच जाता है। बस्ती में आ जाता है। ये केप तो कमाल की है, मैं कहीं भी कुछ क्षण में ही पहुंच जाता हूँ। वहीं रजनी डीप मेडिटेशन में है। वो अब खुद को काफी कंट्रोल कर पा रही थी। अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए खुद पे विश्वास जरूरी है कि ये मैं कर सकती हूँ, और वहीं रजनी सीख रही है। तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है। कोच यूनिवर्स का दरवाजा वापस कबीले में खुलता है। ये बार बार हमारे कबीले पे अटैक क्यों कर रहे हैं? बिल को बहुत गुस्सा आ जाता है। हम अब साथ में हैं, मिलके इन भूतों को याद दिला देंगे नानी। अनादि के साथ तीनों बाहर आते हैं। आंखें लाल हो जाती है। यश पलटता है और प्रिंस पे अटैक करने लगता है। प्रिंस पे बवंडर छोड़ देता है। प्रिंस विमाना की मदद से वहां से तेजी से उड़ते हुए गायब हो जाता है और यश के पीछे आ जाता है। यश तुम ये क्या कर रहे हो? यश फिर से प्रिंस पर बवंडर छोड़ता है। प्रिंस को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अनादि तुरंत प्रिंस को बचा लेता है। फिर यश भील पे बवंडर छोड़ देता है। भील भी उसमें फंस जाता है। सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यश को क्या हो गया है। प्रिंस लाइट की स्पीड से आता है और यश के हाथों में अपनी तलवार मारता है। यश को चोट लग जाती है और ये क्या, यश के हाथों से काला खून बहने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। यश बेहोश हो जाता है। प्रिंस भील और अनादि मिलके कोच यूनिवर्स के भूतों से लड़ते हैं और उन्हें भगा देते हैं। थोड़ी देर बाद यश को होश आता है। मुझे ये क्या हो गया है? मैं बेहोश की हो गया था। ये क्या हो गया है? अभी तो ब्लड ब्लैक था, हाथ भी ब्लैक हो चुके थे, अभी ब्लड रेड कैसे हो गया? यश, तुमने हम पे अटैक क्यों किया? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, मैं किसी और के काबू में हूँ, लेकिन ऐसा क्यों? इसका उत्तर तो तुम्हें किलकोटी के पर्वत पे मिलेगा। इतना कहते ही अनादि वहां से गायब हो जाता है। यश के घाव भी ठीक हो जाते हैं। चलो यश, किलकोटी पर्वत चलकर इसके रहस्य जानते हैं। हाँ, लेकिन मुझे पहले रजनी से मिलना है।
रजनी अभी स्वामी कार्तिकेयन के पास है, शिक्षा ले रही है। चलो फिर पहले वहाँ चलते हैं और फिर किलकोटी के पर्वत पे जाएंगे। वहीं ब्रिटिश शहर का बड़ा बिजनेसमैन है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उसका उठना बैठना है, गवर्नमेंट के काफी सीक्रेट्स भी इसलिए उसे पता है। आए दिन न्यूज़पेपर में उसका नाम आता रहता है। देखने में तो वो बड़ा साधारण सा व्यक्ति है, लेकिन असल में वो हाफ घोस्ट है, वो इम्प्योर घोस्ट है। वो रात को अपने असली रूप में आ जाता है। ब्रिजेश यश से काफी बार मिल चुका है, लेकिन यश कभी उसे पहचान नहीं पाया। यश की वॉच इम्प्योर घोस्ट पे काम नहीं करती है। ब्रिजेश के घर के नीचे एक अंडरग्राउंड लैब है, जहां वह कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलके ऐसा लिक्विड बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे वल्चर्स की शक्तियां वापस आ सके। जल्दी जल्दी काम करो, कुछ तो रास्ता ढूंढो जिससे हम वल्चर्स की शक्तियां वापस ला सके। जय वल्चर्स। वहीं प्रियंका मुंबई की टॉप मॉडल है, इसके ब्यूटी के किस्से पूरे कॉलेज में फेमस है। 2020 में मिस मुंबई रह चुकी है। मुंबई में चकाचक इसके होर्डिंग लगे हुए हैं। आज प्रियंका ने मॉडलिंग का एक कंपटीशन भी जीता है। दिन में तो प्रियंका एक ब्यूटी क्वीन है, लेकिन रात में प्रियंका एक सीक्रेट डोर पे काम कर रही है। ये डोर से घोस्ट यूनिवर्स के घोस्ट पृथ्वी पे आ सकेंगे। प्रियंका घोस्ट के साथ मिलके ये ब्रिज क्रिएट कर रही है। ये ब्रिज दोनों वर्ल्ड को कनेक्ट कर देगा और पूरी कोस्ट यूनिवर्स की सेना पृथ्वी पे आ पाएगी। तो अब क्या होगा आगे और क्या हो रहा है यश के साथ? क्या इनके जवाब यश को मिल पाएंगे? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।